उधर उधर चाय पीते हाँ चाय हाँ okay, कम दादा दो मसाला चाय जी मैडम अभी देता हूँ पता है कि मसाला चाय कितनी अच्छी होती है चाय या अच्छी चाय है ना सर अर्जुन सर अर्जुन कैसी लगी इट्स अमेजिंग मैंने कभी पी नहीं है बट वाओ यू नो व्हाट पूर्वी आज आई एम रियली हैप्पी और आज हमारे बीच जो रिश्ता जुड़ चुका है उसकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई राइट और अगर किसी और काम की वजह से मेरी फ्लाइट मिस होती और मेरा काम अफेक्ट होता तो यू नो आइडिया मुझे कितना गुस्सा आता बट मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा इनफैक्ट आई थैंक गॉड कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता पूर्वी इट्स स्कैरी पता है अर्जुन जब मुझे पता चला ना कि तुम्हारी फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया और अगर सच्ची अगर तुम इंडिया छोड़कर चले जाते ना तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होता मैं जा ही नहीं पाया आई कुडंट गो बहुत कोशिश की मैंने बट मैं फिर रुक गया यू नो व्हाट पूर्वी मैं जल्द से जल्द अपने डैड को ये हमारे बारे में बता दूंगा डीके सर को हाँ he's my dad. वो मेरी बात को कभी नहीं डालेंगे लेकिन कुछ नहीं just everything is gonna be okay. और डैड को बताने के बाद हम सबको ये सरप्राइज देंगे मस्का पाओ दादा दो मस्का पाओ सर आपके लिए कुछ लाओ नाश्ते में बिस्किट शीरा पोहा क्या क्या लाओ बोलो चलेगा क्रीम बिस्किट चुप क्रीम बिस्किट चलेगा हाँ तुम्हारी वजह से मैं इंडिया नहीं गई समझा ना तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मिल नहीं पाई मैं एक बात बताओ पहले देखने नहीं हुआ पासपोर्ट तुम्हारा खलास हुआ अबे मुझे कैसे पता चलता है कैसे पता होता खाली पता इतना ही खुद के चीजों का कभी ख्याल रखा है तुमने बोला ना ये भगवान ये बुड्ढे को मुझे कब तक झेलना होगा बताओ ना भगवान अरे भगवान को क्यों तकलीफ देती हूँ मैं बताता हूँ ना मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा अरे 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 मरते दम तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी बुड्ढी की मालूम नहीं किस मोहरत पे इसके साथ शादी हुई थी अरे मेरी ओवी का फोन हेलो बेटा वो आज गई है बराबर मिला ना घर हाँ तू ठीक है ना बेटा हाँ 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 सब ठीक है ना थैंक यू ओवी
तूने मुझे बचा लिया। मैं तो ये बुढ़िया ताने मार मार कर मेरे दिमाग का दही काला बना देती। अच्छा हुआ इसे मुझे वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इसका पता पहले ही चला। अब पासपोर्ट के रिन्यूअल में कम से कम एक महीना तो लग जाएगा। तब तक अर्चना और मानव वहां शांति से जिएंगे और उसके बाद में इस गुड़िया को उल्लू बनाने की कुछ नई तरकीब ढूंढ निकालूंगा। एक गुड न्यूज है क्या? तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू होके आने वाला है। कैसे हो सकता है? पासपोर्ट रिन्यूअल में तो एक महीना लगता है। क्या देख क्या रहे हो? मेरा दोस्त है ना थॉमसन, वो करके देने वाला है। थॉमसन? ये कौन? तुम्हें क्या करना है? कनाडा में मी पे मेरी वट है, वो मेरा दोस्त है और दो दिन में पासपोर्ट रिन्यू करके देने वाला है। दो दिन? चिकने को क्या हुआ? नहीं, वो खुशी के मारे मेरे मुंह से चीख निकली। दो दिन? हाँ, तो थोड़ा बंद करके बैठो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक्स आई, आज अगर तू नहीं होती ना तो मैं अर्जुन को कभी नहीं रोक पाती। अगर तूने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं अपने अर्जुन को हमेशा के लिए खो देती। थैंक यू। हेलो पूर्वी, पूर्वी जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मुझे ऊपर से सुन लो। क्या? Those three magical words? Good night. Yes? Actually, वो मैं भी तुमसे वो three magical words कहना चाहती थी। मैं सुन रहा हूँ। Do not disturb. गीले कपड़े बदल लो वरना सर्दी हो जाए। यू क्रेजी पूर्वी। Loves me. Are you sure? हाँ तेजू, you know, अर्जुन मुझे everyday call करता है। वो हमारे relationship के बारे में ना कुछ बहुत important बात करना चाहता है मुझसे।
ये प्यार नहीं तो और क्या है? मैं जानती हूँ वो हमारे रिलेशनशिप को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। तुझे कैसे पता? मुझे पता है, और वैसे भी मुझे नहीं पता होगा तो और किससे पता होगा। अच्छा तू ये सब छोड़, मैं भी ये सारी बातें किससे कर रही हूँ? तुझसे। आज तक तुझे ये बातें समझ में आई है जो अब समझ आएगी? तू मुझे ये बता कि तू कैसी है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ तेजू, तू कितनी ज्यादा पतली हो गई है। मुझे नहीं लगता ये टैक्सी वैक्सी चलाना तुझे सूट हो रहा है। तुझे क्या पता टैक्सी चलाने में कितना मजा आता है, इतना एक्साइटमेंट, एकदम मस्त मजा, झकास धमाल। तू एक दिन मेरी टैक्सी में बैठ जाएगी ना तो तू भी एक दिन के बाद कहेगी आई एम लविंग दिस प्लेस। भी एक दिन मेरी टैक्सी में बैठ जा, आधा मीटर बढ़वा दे, उसके बाद मैं तुझे पिलाऊंगी गर्मा गर्म अदरक वाली कटिंग चाय, एकदम फ्री फ्री फ्री। एक मिनट तेजू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया है? ये क्या है धमाल, झकास और ये कटिंग चाय? वो भी मुंबई में रहकर सबकी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। खैर ये सब छोड़, चल मैं तुझे उन लोगों से मिलाती हूं जिनके साथ में रहती हूं। नो वे तेजू, प्लीज। मैं जब एयरपोर्ट से आ रही थी ना, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। चौल्स में कैसे रह सकती है? वो भी तुझे पता जिंदगी का असली मतलब चौल में रहने में है। पहले हम चौल में जाएंगे, वहां से निकलेंगे, उसके बाद हम बाबा से मिलने जाएंगे। नहीं तेजू, जिस घर में वो औरत रहती है मुझे उस घर में नहीं जाना, और मैं बाबा को यहीं बुला लूंगी। अच्छा आई एम सॉरी, मैंने शायद गलत वर्ड यूज कर लिया, आई एम सॉरी। हम बाबा से मिलने बाहर जाएंगे। यार तेरी तरह मैं भी उस घर में नहीं जाना चाहती। आई टू हेट दैट वुमन। और वैसे भी हम उस औरत के बारे में बात करके अपना मूड क्यों स्पॉइल करें? अच्छा ये बता, तूने अर्जुन को ये बात? तेजू प्लीज, तू अर्जुन को कुछ भी नहीं बताएगी। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, और सिर्फ उससे नहीं, मैं बाबा को भी सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो तू मुझसे प्रॉमिस कर के तू उन दोनों को कुछ भी नहीं बताएगी, प्रॉमिस मी? ओके ओके आई प्रॉमिस। मुझे बहुत खुशी है तुम्हें देखकर, लेकिन मुझे खुशी थोड़ा ज्यादा होती है अगर तुम किसी को साथ लेके आते। तुम समझ रहे हो ना मेरा इशारा किस तरफ? नहीं सर, अब मुझे वो हक नहीं है सर। वो हक भी तो तुमने ही छीना है। मान सर आप उस दिन बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने और अर्चना ने अपनी जिंदगी की सबसे खास बातें एक दूसरे के साथ शेयर की, लेकिन पिछले 18 सालों ने हमारे रिश्ते के मायने ही बदल दिए। एक दूसरे के साथ शेयरिंग्स बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन सर कल कुछ अलग हुआ। कल मैंने अर्चना को बता दिया कि ओवी आपकी बहू बनने जा रही है। काश कि मैंने उसे ये सब। गुड, अच्छा किया तुमने मानव। अर्चना उसकी माँ है, उसका हक है कि ये बात उसे पता लगे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हमें उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। हाँ सर, और इस बात को लेकर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था, और अपनी फीलिंग्स में किसी के साथ शेयर करना चाहता था। इसलिए सर सच कहूं तो मैं इसलिए आपसे मिलने चला आया। Well, मोनद कनाडा से। हेलो। हाँ मानो बेटा। हाँ बाबा बोलिए। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि ओवी अभी इंडिया में आई हुई है। क्या ओवी इंडिया आई? अरे मैं ये बात तुझे कल रात को ही बताने वाला था, लेकिन पता नहीं तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। वो भी यहाँ आई है और आप वहाँ हैं? इसका मतलब वो भी यहाँ अकेली आई है? बाबा कहीं वो भी के साथ आई भी तो नहीं? अरे नहीं रे, नहीं मानो बेटा। मेरे होते हुए तू चिंता मत कर, सविता कनाडा में ही है मेरे साथ। मुझे मालूम था वो वहाँ आएगी और तुझे अर्चना के साथ देखकर बड़ा बवाल खड़ा कर देगी, इसलिए मैंने उसके ना आने का इंतजाम कर दिया है बराबर। थैंक्स बाबा। अच्छा सुन, मैंने तुझे ओवी के बारे में बताकर मेरे बाबा होने का फर्ज तो निभा दिया,
अब तुझे मेरे बाबा होने का फर्ज निभाना है। मतलब? मतलब ये कि ओवी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे ये बात बताई है। वो अगर तुझे फोन करेगी या अचानक तेरे सामने आएगी तो तू ऐसा रिएक्ट कर कि तुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन बाबा। अरे बेटा, वो तुझे और अर्जुन को सरप्राइज देने वहां आ रही है। मैं उसकी ये खुशी स्पॉइल करना नहीं चाहता। ठीक है बाबा, मैं उसके कॉल का वेट करूंगा। सर, ओवी इंडिया आई अर्जुन को सरप्राइज देने। ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। But I like to see people in love. हमेशा से मुझ पर कृपा रही है। आप ही की कृपा से मुझ जैसी अनाथ लड़की को आई और आजी का प्यार मिला, और आज आप ही की कृपा से मुझे अर्जुन सर जैसे जीवन साथी मिले। आज से हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। पूजा नहीं कर रहे? जो मुझे मांगना था वो तो मिल चुका। पता है, यहां घंटी बांधने से ना मन की जो भी इच्छा होती है पूरी हो जाती है। मैं अपनी आई के साथ यहाँ आकर उसके और बाबा के एक होने की प्रार्थना किया करती थी। आज पहली बार अपने लिए कुछ मांग रही हूँ। तो तुमने आज पहली बार कुछ मांगा अपने लिए? मेरे लिए क्या मांगा? वो मैं आपको क्यों बताऊँ? अच्छा, देख काम करो, वो जो घंटी वाला जिसे घंटी खरीदे ना उसे बता दो। अब मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? वो जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी ना तब बताऊंगी।